दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऋतिक रोशन की अपकमिंग फिल्मों के बारे में। जैसा कि आप लोग पता होगा ऋतिक रोशन की लास्ट मूवी थी विक्रम वेधा जो कि एक रीमेक थी, लेकिन जितने लोग भी इस मूवी को देख के आ रहे थे वो इसको ओरिजिनल से बेटर बता रहे थे, लेकिन फिर भी ये मूवी कहीं ना कहीं रीमेक के चक्कर में ही फ्लॉप हो गई और बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कलेक्शन नहीं कर पाई। चलो बताता हूँ विक्रम वेधा के बाद आखिर इनकी कौन कौन सी फिल्में हमें आगे देखने को मिलेगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था आप लोगों को आमिर खान की अपकमिंग फिल्मों के बारे में। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो भाई डिस्क्रिप्शन चेकआउट जरूर करना। तो इनकी जो सबसे पहली फिल्म आएगी वो होगी फाइटर। फाइटर एक एक्शन थ्रिल फिल्म होने वाली है जिसको डायरेक्ट करेंगे सिद्धार्थ आनंद, जिन्होंने इससे पहले वॉर, पठान जैसी फिल्मों को डायरेक्ट किया है। फिल्म में लीड एक्टर की बात करूं तो इसमें आपको ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ और भी कई सारे एक्टर देखने को मिलेंगे। वहीं अगर इस मूवी के बजट की बात करें तो बजट इसका 250 करोड़ रखा गया है, मतलब ये मूवी काफी ज्यादा बड़े लेवल पे बनने वाली है। रिलीज डेट की बात करूं तो रिलीज हो रही है 25 जनवरी 2024। इसके बाद जो हमें देखने को मिलेगी वो होगी क्रिस 4। ये मूवी ऋतिक रोशन की मोस्ट रेटेड मूवीज में से एक है जिसका पूरी इंडिया को इंतजार है। ये मूवी क्रिस फ्रेंचाइज का फोर्थ पार्ट होने वाला है। पहला था कोई मिल गया, दूसरा था क्रिश और तीसरा था क्रिस 3। चौथी फिल्म होने वाली है क्रिस 4। ये एक साइफाई एक्शन फिल्म होने वाली है जिसको डायरेक्ट करेंगे राकेश रोशन। लीड एक्टर की बात करें तो मैंने गूगल पे जाकर इसका कास्ट चेक किया और यकीन नहीं मानोगे काफी सारे एक्टर के इसमें नाम देखने को मिले। यहाँ आप एक्टर के कास्ट की फोटो देख सकते हो। रिलीज डेट की बात करें तो बताया जा रहा है ये मूवी आपको 2024 के एंड में देखने को मिलेगी। वैसे अभी कोई एग्जैक्ट रिलीज डेट सामने नहीं आया, ये इसका मीडिया रिपोर्ट के अनुसार है। इसके बाद जो इनकी तीसरी फिल्म होगी वो होगी वॉर 2। एक एक्शन थ्रिल फिल्म होगी जिसको डायरेक्ट करेंगे सिद्धार्थ आनंद, जिन्होंने इसके पिछले पार्ट को डायरेक्ट किया था। लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि इसके सेकंड पार्ट को सिद्धार्थ आनंद नहीं आयान मुखर्जी डायरेक्ट करेंगे, जिन्होंने ब्रह्मास्त्र जैसी मूवी को डायरेक्ट किया था। डायरेक्टर की बात साइड में रखकर बात करते हैं इस मूवी में लीड एक्टर की, तो इस फिल्म में आपको लीड एक्टर के तौर पर ऋतिक रोशन और जूनियर NTR देखने को मिलने वाले हैं। जूनियर NTR इस मूवी में विलन का रोल प्ले करेंगे। बताया जा रहा है इस मूवी में कैमियो के तौर पर आपको सलमान खान, शाहरुख खान और जॉन इब्राहिम भी देखने को मिलेंगे, जहां सलमान और शाहरुख ऋतिक रोशन का साथ देंगे, वहीं जॉन इब्राहिम जूनियर NTR का। दोस्तों ये फिल्म स्पाई यूनिवर्स की 6th फिल्म होगी। वहीं बात करें इस मूवी के रिलीज डेट की, तो रिलीज डेट अभी कोई एग्जैक्ट बताया नहीं गया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है ये मूवी 2025 में रिलीज होगी। वहीं इसके बाद देखने को मिलेगी रामायण जो ऋतिक रोशन की 4th फिल्म होगी। इसको डायरेक्ट करेंगे नीतीश तिवारी, जिन्होंने इससे पहले 6 छोरे और दंगल जैसी फिल्म को डायरेक्ट किया है। ये फिल्म पूरी तरह रामायण पे बेस होगी और ये फिल्म एक माइथोलॉजिकल हिस्टोरिकल फिल्म होने वाली है। इस फिल्म में ऋतिक के साथ रणवीर कपूर भी देखने को मिलेंगे, जहां रणवीर कपूर राम का रोल प्ले करेंगे और ऋतिक रोशन रावण का। लेकिन हाल ही में रिपोर्ट्स के अनुसार ऋतिक ने रावण का रोल प्ले करने से मना कर दिया था। कारण यही था कि वो आगे नेगेटिव रोल नहीं करना चाहते क्योंकि विक्रम वेधा इनकी फ्लॉप हो गई, और जैसा कि विक्रम वेधा में इनका नेगेटिव रोल था। खैर अब इसका कोई एग्जैक्ट रिलीज डेट बताया नहीं गया और मूवी भी कंफर्म पूरी तरह नहीं हुई है कि आखिर इस मूवी में रावण का रोल यही प्ले करेंगे। अगर इस मूवी से जुड़ा कोई अपडेट्स आता है तो मैं आपको अपडेट वीडियो की सीरीज में बता दूंगा, तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करना। इसके बाद जो हमें देखने को मिलेगी वो होगी स्पाई यूनिवर्स की अनटाइटल्ड फिल्म, क्योंकि अभी इस मूवी का टाइटल डिसाइड नहीं हुआ है और ये मूवी काफी बड़े लेवल पे बनने वाली है क्योंकि इसमें शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन तीनों ही एक साथ देखने को मिलने वाले हैं और तीनों ही इस मूवी के अंदर लीड रोल में रहेंगे। और रिपोर्ट्स के अनुसार बताया गया है कि ये मूवी 450 करोड़ के बजट में बनेगी और इस फिल्म के अंदर एक्शन भर भर के देखने को मिलेगा। डायरेक्टर की बात करें तो इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे सिद्धार्थ आनंद, जो कि फाइनली क्लियर हो चुका है। इस फिल्म में इन तीनों के साथ कैटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण भी होंगी और बताया गया है कि विलन 1 या 2 नहीं 3 या 4 देखने को मिल सकते हैं। और रिपोर्ट सामने ये भी आ रही है कि ये मूवी 1 नहीं 2 पार्ट में बनेगी। रिलीज डेट की बात करें तो अभी कोई एग्जैक्ट रिलीज डेट सामने नहीं आया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि ये मूवी 2026 से पहले तो बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इससे पहले भी स्पाई यूनिवर्स की काफी सारी फिल्में आएंगी और उसके बाद ही ये फिल्म हमें लास्ट में देखने को मिलेगी। दोस्तों ये थी ऋतिक रोशन की कुछ अपकमिंग फिल्में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। अगर आगे भी ऐसी अपकमिंग मूवी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करना, क्योंकि चैनल पे आपको ऐसी ही वीडियोस आगे भी देखने को मिलती रहेंगी। जिन लोगों ने हमारी कल की वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने आमिर खान की अपकमिंग फिल्मों के बारे में बताया था, तो उस वीडियो को वॉच जरूर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।